हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे ब्लॉग चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो आज है 5 तारीख और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। और अभी बस मैं सिर्फ झाड़ू या पोछा करके सिर्फ नहा के आई हूँ और चाय नाश्ता बना लिया था और हमने कर भी लिया है क्योंकि आज मैं जल्दी ड्यूटी चले गया। मेरे हस्बैंड जल्दी ड्यूटी चले गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। पर अभी बिस्तर वगैरह नहीं उठाया है, सारा का सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। क्योंकि थोड़ा स्कूल अभी खुल तो गया लेकिन अभी जाते नहीं है तो थोड़ा बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं तो इसलिए बिस्तर अभी पड़े हुए थे। और अभी सोफा वगैरह भी साफ नहीं किया है, अब दिन में करूंगी सारा काम क्योंकि अभी मैं सिर्फ सो के उठ के मैं और चाय नाश्ता हमने कर लिया मैंने और मेरी परी ने। ये देखो बाल कितने कैसे हो रहे हैं, ये इसीलिए सो के उठी क्योंकि ये सो के उठी है। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। देखिए, बाहर का मौसम भी सही हो रहा है, धूप निकल रही है बहुत ज्यादा। तो अब हम जाएंगे मैगी बनाने। अब देखेंगे मैगी अब बनना शुरू हो गई है। अब भाई मिलाया गया, भाई बना रहे हैं आज। कर्चा छोटा नहीं लिया है। हाँ तो ये देखिए, और ये मम्मी देखिए, मैगी शुरू हो गई है बनना। तो तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों ने करती थोड़ी सी ब्लॉगिंग और बनाई थी उन्होंने मैगी, जो अभी मैंने करी थी। तो मेरी परी ने ब्लॉगिंग करी थी तो बच्चों ने मैगी बनाई थी। तो आप ये मैगी खाएंगे और मैं बनाऊंगी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं और बाहर लेने जाओ तो थोड़े मिलते हैं, थोड़े पैसों में थोड़े मिलते हैं। और आप 10 रुपये में काफी सारे पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पॉपकॉर्न। ये देखिए, इसे बनते हैं पॉपकॉर्न। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे लाके। सब इनको बनाने के लिए रिफाइंड तेल चाहिए होता है और इन्हें बटर में भी बना सकते हैं, किसी भी चीज में बना सकते हैं, चॉकलेट में भी बना सकते हैं इन्हें मिक्स करके। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो मम्मी अभी पॉपकॉर्न भी बनाएंगी तो आप देखेंगे कैसे बनते हैं। आप अलग अलग तरीके के पॉपकॉर्न बना सकते हैं, जैसे चॉकलेट में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं, रिफाइंड में बना सकते हैं, किसी में बना सकते हैं। तो फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो फिर देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी ब्लॉगिंग कर रही थी, अब मैं बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मिलेंगे 1 चमची छोटी वाली। तो जितने भी पॉपकॉर्न बनेंगे 10 रुपये में काफ़ी सारे पॉपकॉर्न बन जाते हैं और बाहर खरीदने जाओ तो 10 रुपये के थोड़े पॉपकॉर्न मिलते हैं। तो इससे बढ़िया आप घर में भी पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो देखिए ये वाले पॉपकॉर्न, ये जो मकई के दाने हैं, ये जो मूंगफली वगैरह जो मिलती हैं बेकरी वगैरह की दुकान पे, तो वहाँ पे ये पॉपकॉर्न मिल जाते हैं बनाने वाले, वहाँ से आप खरीद के ला सकते हैं और घर में बना सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने ऑयल दे लिया था उसी में मैंने सारे पॉपकॉर्न डाल दिए और पॉपकॉर्न के ऊपर डाल देंगे नमक, टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो पॉपकॉर्न बनेंगे वो थोड़े नमकीन बनेंगे, जैसे बाहर मार्केट में मिलते हैं वैसे। तो यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है, आप जो डेली यूज़ करते हैं वो भी नमक डाल सकते हैं। अब इसको 5 मिनट तक हम हिलाएंगे और 5 मिनट के बाद ही अपने आप चटकने लग जाएंगे सारे पॉपकॉर्न। तो चलिए 5 मिनट तक इसको मिलाते। तो बस देखिए, यहाँ पे चलते चलते 5 मिनट हो चुकी थी और अब ज़्यादा ही गर्म हो गया है तेल भी, और ये पॉपकॉर्न भी तेल के अंदर ज़्यादा गर्म हो चुके हैं फ्राई करते करते। तो अभी चटकना स्टार्ट हो जाएंगे, एक एक करके चटकना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको एक प्लेट से हम ढक देंगे। तो यहाँ पे मेरे फ्राई पैन का एक ढक्कन था तो मैंने उससे ढक दिया, तो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे ये पॉपकॉर्न की कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे नहीं, अगर हम पॉपकॉर्न को ढकेंगे नहीं तो सारे कढ़ाई में से उछल उछल के सारी स्लिप पे सारी रसोई में फैल जाएंगे। तो इनको ढकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चटक चटक करके ये सारे फूटते हैं एक एक करके। तो देखिए ये वाला तरीका है पॉपकॉर्न बनाने का, बहुत ही आसान तरीका है और 10 रुपये में ढेर सारे पॉपकॉर्न आप घर में ही बना सकते हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं घर में ही बना के। तो बस देखिए, आधे पॉपकॉर्न हमारे बन चुके हैं और नीचे से अभी भी पॉपकॉर्न चटक चटक हो रहे हैं, जो भी पॉपकॉर्न नीचे रह जाते हैं वो चटक चटक के ऊपर आते हैं। तो ये ढक्कन भी ऊपर उठ के आ जाएगा एकदम, तो आप देख सकते हैं ये ढक्कन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है क्योंकि नीचे से सारे पॉपकॉर्न फटक फूट फूट के और ऊपर आ रहे हैं चटक चटक करके। तो आप सुनिए कैसे आते हैं ये ऊपर। कलम
अपन देखिए हमारे यहाँ पे पॉपकॉर्न बन चुके थे और बच्चे अंदर ले गए थे एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आपको मेरा थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि पॉपकॉर्न कैसे थे, कैसे अच्छे बने, कैसे बने।